और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा है। हम लोग तो चाहते थे कि शहर के अंदर जो लोग हमारे लिखे पढ़े लोग हैं उनको सेलेक्ट करके एक पूरे दिन का एक सेशन जिसमें हम लोगों को ट्रेनिंग दे सके। और ट्रेनिंग का कारण भी यह है कि जब हम लोग एक तगड़े दुश्मन के सामने जब लड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे सोल्जर हमारे सैनिक ये प्रशिक्षित होना चाहिए। हमारा प्रशिक्षित ना होना ये भी हमारे हार का एक बहुत बड़ा कारण है। थोड़ा विस्तार से मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पार्टी के लिए काम करते हैं और कुछ लोग व्यक्ति के लिए काम करते हैं। जो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं वो कभी मायूस नहीं होते और जो लोग कुछ व्यक्ति के लिए जो काम करते हैं वो किसी ना किसी कारण मायूस हो जाते हैं और निगेटिव प्रचार करना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग एक विचारधारा से प्रेरित हो जाएंगे किसी खास मकसद के लिए जब हम लोग काम करना शुरू कर देंगे तब मुझे पूरा यकीन है कि हम इस तरह हार का मुकाबला हम लोगों को करना नहीं पड़ेगा। असल भाई से जो बात हुई कि भाई मैंने बीएसपी में काम कर चुका हूं, बांसर में काम कर चुका हूं और उन लोगों ने जो कभी गांव के बाहर रहा करते थे जिनको अति शूद्र कहा जाता था, जिनका स्पर्श भी करना लोग अच्छा नहीं समझते थे, उन लोगों ने कैडर के जरिए प्रशिक्षण के जरिए इस देश में उनकी पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। कितने नंबर की? तीसरे नंबर की पार्टी। साथियों पार्टी को मकसद के लिए बनाई जाती है, कुछ खास मकसद के लिए बनाई जाती है। मुझे पता नहीं आप लोगों में कितने लोगों को पता है ये आम इंडिया मुस्लिम लीग किस मकसद के लिए बनाई गई। यह हमारे पार्टी का प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है, हम इस भारत में क्या करना चाहते हैं, तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं हमारा अगर कोई मकसद है तो मकसद है देश का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जो प्रीएम्बल में जो बातें कही गई है उन बातों को लागू करना, उसको अमल करना, यह हमारा असली मकसद है। आपने संसद में आपने हमारे नेता को सुना होगा जब वो बात कहते थे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर नहीं कहते। अब इस देश के अंदर 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली, 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ और जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक हमने अगर प्रेमल की तरफ देखा और इस देश के आज के ताजा हवा पर अगर देख लिया तो हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रेमल को भूल गए। इस देश में जनतंत्र लोकतंत्र लागू करना, यहाँ के राजनीतिक जिनके कब्जे में देश की सत्ता है हुकूमत है वो लोग भूल गए। तो हम लोग उस सोच को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी, वो सोच डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने रखी थी, जो सोच महात्मा फुले जी ने रखी थी, जो सोच छत्रपति शाहू महाराज ने रखी थी, उस सोच को लेकर के हम लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं और ये इस देश में फिर से हम अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। क्या नहीं बनाना चाहते? हमें बनाने के लिए हैदराबाद से एक आज अभी घर के बाहर निकल रहा है जिसको लोग हमारे लोग दीवाना कहते हैं और वो दीवाना अपना घर बार ऐसा आनंद सब छोड़ करके देश के कोने कोने में घूम रहा है, जा रहा है, समझा रहा है लोगों को।